ये डिफरेंट एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं जो मार्च 2017 में रिलीज हुए थे यूपी स्टेट इलेक्शंस की वोटिंग के बाद। मोस्ट एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन थी कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी, पर बस 3 ने एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी को एक मेजॉरिटी मिलेगी, और बस 1 पोल की प्रेडिक्शन ही एक्चुअल रिजल्ट्स के करीब थी। सरप्राइजिंगली बीजेपी इन इलेक्शंस को जीती बिना किसी सीएम कैंडिडेट को अनाउंस करे हुए। इसके पीछे एक मेजर कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एक बहुत बड़ा भाग भी निभाया था संघ परिवार ने। इस एक जन जागरण कैंपेन के जरिए संघ परिवार के कर्मचारियों ने जिम्मेदारी उठाई थी कि वो लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए उनकी सहायता करें। पर जो संघ परिवार है वो बस लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम ही नहीं करता। अब हम में से कई लोग ये जानते हैं कि संघ परिवार बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, पर संघ परिवार करता क्या है, ग्राउंड लेवल पर वो बीजेपी की कैसे सहायता करते हैं, इस चीज को कई लोग जानते नहीं है, और इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक केस स्टडी के जरिए, जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की केस स्टडी। और ये जानना इतना जरूरी क्यों है, ये समझने के लिए कि बीजेपी 2022 के स्टेट इलेक्शंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है, जिसकी कैंपेनिंग अभी से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का। यूपी के स्टेट इलेक्शन भारतीय राजनीति के लिए इतने अहम क्यों हैं, इसके बारे में मुझे आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग जानते हैं कि एक बहुत पॉपुलर फ्रेज इंडियन पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ के जरिए जाता है, पर इस बार ये रोड बस प्रधानमंत्री की ओर नहीं जा रही बल्कि राष्ट्रपति के भी ओर जा रही है। जुलाई 2022 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो कौन राष्ट्रपति बनेगा ये यूपी के इलेक्शन रिजल्ट्स पर बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि अभी एनडीए की कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ वोट मेजॉरिटी से थोड़ी नीचे है। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि संघ परिवार है क्या। हम में से कई लोग इस संगठन का नाम तो सुनते आ रहे हैं, पर इसका रूप क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम में से कई लोग के पास जानकारी नहीं है। संघ परिवार एक संगठन नहीं है बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशंस का एक कलेक्शन है, जिसमें से पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस और बीजेपी। अब चाहे इस परिवार के संगठनों के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, पर आरएसएस का इन पर बहुत हद तक नियंत्रण रहता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि संघ परिवार की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पर ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की राइज के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है संघ परिवार की ग्रोथ का। वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले ने एक बुक में दिखाया कि 1989 में आरएसएस के करीब 5000 सर्विस प्रोजेक्ट्स थे, 2015 तक 1.5 लाख से ज्यादा हो गए थे। अब ये समझने के लिए कि संघ परिवार एक्चुअली कैसे काम करता है ग्राउंड लेवल पर, हम रामपुर की केस स्टडी लेते हैं, जिसके बारे में अभिषेक झा ने एक डिटेल पेपर लिखा है। और रामपुर में स्पेशली बहुत पोटेंशियल है संघ परिवार के लिए, क्योंकि उधर पोलराइजेशन की संभावना बहुत हाई है दो कारणों की वजह से। पहला कि उधर मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 50% है, और दूसरा कि उधर की लोकसभा सीट में बहुत टाइम से दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी के पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर आजम खान का। दो हजार 2019 के जनरल इलेक्शंस में ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और 2014 में बीजेपी ने। इस डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, जिसमें से 2 अभी बीजेपी के हाथों में है। और गहराई में जाने से पहले कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं यूपी की राजनीति के बारे में। यूपी की इलेक्टोरेट 4 भागों में डिवाइड की जा सकती है, अपर कास्ट, दलित, ओबीसीज और मुस्लिम्स। बीजेपी की कोर वोटर हैं अपर कास्ट, इसी वजह से बीजेपी को कई टाइम से ब्राह्मण बनिया पार्टी बुलाया जाता है। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं ओबीसीज में यादव्स और मुस्लिम्स, और बीएसपी के कोर वोटर्स हैं जातव दलित्स। अब इसी समाज में नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जातव दलित्स भी मौजूद है, और उत्तर प्रदेश में संघ परिवार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो अपर कास्ट, नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जातव दलित्स को जुटा पाए। अब बात करते हैं कि संघ परिवार ने ऐसा किया कैसे जिसकी वजह से बीजेपी 2017 के इलेक्शन जीत पाई। इसके पीछे ब्रॉडली 3 फैक्टर्स हैं। पहली चीज जो संघ परिवार ने करी वो थी कि उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप बढ़ाई। जैसे 2014-2015 में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट करी, और उन्होंने ओबीसी और दलित समाज के नामी लोगों को यूज किया ये मेंबरशिप बढ़ाने के लिए।
प्रशांत झा ने अपनी बुक में दिखाया कि केवल इस ड्राइव की वजह से बीजेपी को 15 लाख नए मेंबर्स मिल गए थे बैकवर्ड कम्युनिटीज से। पर बस मेंबरशिप ड्राइव से वोट्स नहीं आते, बीजेपी ने इन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन भी दी अपनी पार्टी में। इसे संघ परिवार ने रामपुर में कई नॉन यादव ओबीसी का समर्थन जुटाने की कोशिश करी और उन्होंने तीन मेन कम्युनिटीज पर फोकस किया, कुर्मीज, लोधीज और सैनीज। इसे सुरेश गंगवार को डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, मोहन लोधी को 2017 के स्टेट इलेक्शन के लिए टिकट दी गई थी और केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था। पर बस सोशल मीडिया पर ही अनाउंस नहीं करी जाती ये पोस्ट, बल्कि लोकल इवेंट्स भी कराए जाते हैं जिनका एक बड़ा पर्पस होता है। जैसे दिसंबर 2019 में रामपुर में अखिल भारतीय लोधी महासभा ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में आरएसएस बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, कम्युनिटी लीडर्स, गांव के प्रधान और कई आम नागरिक भी शामिल थे। अब ये मीटिंग बुलाई गई थी बीजेपी के नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए जो लोधी कम्युनिटी से थे, पर इसका ब्रॉडर पर्पस था कि वो पूरी लोधी कम्युनिटी को पार्टी में वेलकम फील करवाए। ऐसे इवेंट के दौरान नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने अपना सम्मान दिया महारानी अवंतीबाई लोधी की पोर्ट्रेट के सामने। पूरे प्रोग्राम के दौरान नई डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप ने बताया कि कैसे लोधी कम्युनिटी के मेंबर्स डिसेंडेंट से एक वॉरियर क्वीन के, जिसे वो उस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दे रहे थे, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो उस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे डिस्ट्रिक्ट और मंडल कमिटीज में। अब टारगेट कम्युनिटी को मेंबरशिप देना और उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना कोई नई तरकीब नहीं है, पर संघ परिवार की एडवांटेज ये है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से। रामपुर में एक महा हिंदू आइडेंटिटी बनाने के लिए वो कभी मंदिर की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो कभी मंडल की। अब जैसे मिलक का उदाहरण लीजिए, जो एक छोटा सा शहर है रामपुर सिटी से 22 किलोमीटर दूर और एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है शेड्यूल कास्ट के लिए। इस शहर में जातव दलित्स की एक भारी संख्या है और इन जातवस को कंसोलिडेट करने के लिए संघ परिवार ने दो चीजों पर फोकस किया है, उनकी हिंदू आइडेंटिटी को एम्फेसाइज करके और सेवा का काम करके। हिंदू आइडेंटिटी को री इन्फोर्स किया जाता है मुस्लिम अपीजमेंट के बारे में बात करके, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच कल्चरल डिफरेंसेस पर जोर देकर और स्वामी दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स को स्प्रेड करके। उनकी टीचिंग्स वैदिक टाइम के बारे में बताती हैं और एक एकजुट समाज के बारे में चर्चा करती है जो बीजेपी और जातवस के बीच बाधाओं को तोड़ सकती है। इस हिंदू आइडेंटिटी को कंसोलिडेट करने के लिए संघ परिवार कई त्योहारों का भी आयोजन करती है। इसे रामपुर में हर साल राजीव सक्सेना एक बालाजी शोभा यात्रा, जिसको मिलक महोत्सव भी बुलाया जाता है, उसका आयोजन करते हैं। हिंदू संस्कृति के अलावा राष्ट्रवाद पर भी जोर डाला जाता है। जैसे मिलक में ऑलमोस्ट हर दिन संघ परिवार बाल शाखाज के जरिए स्टूडेंट्स को इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जहां वो वीर सावरकर जैसे व्यक्ति और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में चर्चा करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को उनकी कास्ट के महान व्यक्तियों के बारे में भी बताया जाता है और इनको एक हिंदू समाज की ओर से दिखाया जाता है। उनको ये भी बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी भी लीडर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की लेगेसी को इतना ऑनर नहीं किया। फिर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए। जैसे वो रामपुर के मिलक और बिलासपुर शहरों में उन कार सेविक्स का सम्मान करते हैं जो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में शामिल थे। चाहे राम मंदिर के लिए सपोर्ट बढ़ाना हो या फिर लव जिहाद जैसे केसेस की चर्चा करनी हो, ये संगठन एक पोलराइज एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं दलित वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा संघ परिवार रामपुर में कई सेवा का भी काम करता है। जैसे अशोक नगर में संघ ने एक वाल्मीकि कम्युनिटी के परिवार को आर्थिक सहायता दी उनकी बेटी की शादी के लिए। मिलक में संघ ने सर्विस कैरी आउट करे दलित समाज में सबसे गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी। और फिर इलेक्शंस के पहले क्रंच टाइम के दौरान संघ परिवार बीजेपी के लिए पॉलिटिकल वर्क भी करता है। जैसे बीजेपी कैंडिडेट्स के बारे में फीडबैक इकट्ठा करना, ऑन द ग्राउंड मैनपावर देना और वोटर्स के साथ बीजेपी के बारे में बात करना। ऐसे 2014-2019 जनरल इलेक्शंस के लिए संघ परिवार ने अपनी खुद की वोटर लिस्ट बनाई थी और अपनी शाखाओं के टीचर्स को बताया था कि वो इन वोटर्स के पास जाएं बीजेपी के बारे में बात करने के लिए। इसके अलावा आरएसएस कई दलित प्रधान को भी अट्रैक्ट कर पाया है बीजेपी की तरफ, जिससे उनको बहुत फायदा हुआ है। इसे रामपुर के एक प्रधान जो बीएसपी से बीजेपी की तरफ आए, उन्होंने बीजेपी को 3000 वोट्स का फायदा दिया अपने गांव से। अब जो भी एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बात करी जिसमें संघ परिवार इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है करना। तो संघ परिवार ये सब कैसे कर पाता है? इसके पीछे एक मेन कारण है कि संघ परिवार किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो ऑलमोस्ट एक सक्सेसफुल कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा कमिटेड है और जहाँ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। और यही कॉर्पोरेट जैसा स्ट्रक्चर हम कंपेयर कर सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी से रामपुर में।
जब से आजम खान और उनके परिवार पर कई लीगल केसेस डाले गए हैं, तब से समाजवादी पार्टी का कंट्रोल डगमगाने लगा है इस डिस्ट्रिक्ट पर। कांग्रेस की बात करें तो वो एक भी इलेक्शन नहीं जीते इस डिस्ट्रिक्ट में 2012 से। बेगम नूर बानो जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी जब वो 2004 के जनरल इलेक्शन जीती थी रामपुर से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सेकुलर पॉलिटिक्स बिल्कुल इनफेक्टिव है इस पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर में जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने क्रिएट किया है। और फाइनली बीएसपी सबसे कमजोर पार्टी है इस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बीजेपी कई जातव वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाई है अपनी ओर। और इन ऑपोजिशन पार्टीज के लिए रामपुर में रिकवर करना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो बस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही नहीं है बल्कि एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है, जो दोनों ही मंदिर और मंडल की स्ट्रेटजीज यूज कर रही हैं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और चाहे ये वीडियो रामपुर के बारे में हो, जो हमें ये नहीं बताता कि यूपी के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या सिचुएशन है, पर इससे ये जरूर हम समझ सकते हैं कि बीजेपी को हराना 2022 के स्टेट इलेक्शंस में इतना मुश्किल होने वाला है।